सुबह से ही हम फर्टिलाइजर के कैंपस में मौजूद हैं और यह पूरा मैदान भाजपा के कार्यकर्ताओं से भर चुका है और सुबह से ही दूर दूर से कार्यकर्ता आ रहे हैं। हमारी टीम सुबह से लगी है और पूरे कार्यक्रम को कवर भी कर रही है, दिखा भी रही है। इसी सिलसिले में 2014 में जब मोदी जी यहाँ आए थे तब जो लोकप्रियता थी, कहीं ना कहीं लोकप्रियता में कोई कमी नहीं हुई है और वह लोकप्रियता हम देख भी सकते हैं कि पीछे पेड़ है, एक जंगल का क्षेत्र है, पेड़ पर देख सकते हैं कि जो है सर पे भाजपा की टोपी लगाए हुए, गले में भाजपा का गमछा लगाए हुए लोग पेड़ पे चढ़ चुके हैं और अपने जान को ताक पे रख के जो है अपने नेता, अपने प्रधानमंत्री, अपने मुख्यमंत्री, अपने कहीं ना कहीं समर्थन दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं इधर भी पेड़ पे चढ़े हैं, उधर हम अपने साथी से कहेंगे जरा बगल वाले पेड़ को दिखाएं, वहाँ एक चाचा जी लगभग एक घंटे से वहीं से बैठे हैं, एक लड़का स्कूल का ड्रेस पहना है, स्कूल का ड्रेस पहन के वह लड़का देखिए उतरने का प्रयास कर रहा है, वह चोटिल भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि अपने नेता के लिए जो लोग हैं उनके अंदर एक जुनून है, एक जोश है कि अपने नेता को देखने के लिए लोग अपने जान की भी कीमत नहीं लगा रहे हैं और पेड़ पर चढ़ जाना। क्या नाम, और एक शख्स है, इनसे समझेंगे कि ये कहाँ से आए हैं, इनका क्या नाम है और ये किसको देखना है, क्या नाम है आपका? पंकज श्रीवास्तव, पूर्व मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, पिपरौली मंडल, गोरखपुर से। ये बताएं, भाजपा के आप पदाधिकारी हैं, नेता हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, आपके कार्यकर्ता पेड़ पे चढ़े हैं, किसी के जान माल की खतरा हो, कोई दिक्कत हो गया, कोई गिर के चोटिल हो गया, हाथ पैर टूट गया, तो कहीं ना कहीं आप जो क्षेत्रीय नेता हैं वही जिम्मेदार हो जाएंगे कि नेताजी बुलाए थे, चोट लग गया। मोदी जी को देखने के लिए हर व्यक्ति ललायत रहता है, वो चाहे पेड़ पर चढ़ना पड़े, चाहे पेड़ के अंतिम डाल तक चढ़ना पड़े, लोग चढ़ जाते हैं देखने के लिए। तो कहीं ना कहीं जान की बाजी भी लगा देंगे लोग, अगर पेड़ पे चढ़ रहे हैं तो अगर उतनी ऊपर से अगर गिरते हैं तो चोट भी लग सकता है, हाथ भी टूट सकता है, पैर भी टूट सकता है। अब उनकी सोच है, मानसिक माने जो मन है मोदी को देखने के लिए, अब वो कहाँ तक जा सकते हैं। चलिए, लोकप्रियता मैं समझ सकता हूँ, लोगों के अंदर जो जुनून है वह भी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप अगर मंडल अध्यक्ष हैं, क्षेत्रीय नेता हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि लोगों को समझाया कि भैया पेड़ पे ना चढ़ो, चोटी लो सकते हो। आपने समझाया? हाँ, हमने समझाया, हमने कहा कि नहीं, हम लोग आराम से, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। फिर भी नहीं मान रहे? नहीं मान रहे। तो देख, पदाधिकारी थे, इन्होंने बोला, मैंने समझाया, बोला कि बेटा सब लोग उतर जाइए, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों के अंदर जुनून है अपने नेता, अपने प्रधानमंत्री को देखने के लिए, वह किसी के समझाने से समझने वाले हैं नहीं, और पेड़ पे बैठ के उतनी दूर से प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुन रहे हैं।